हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पानी पूरी के लिए एक चटपटी फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हम बनाएंगे पानी और छोले। जब तक पानी छोले टेस्टी ना हो, तब तक पानी पूरी का मजा नहीं आता है। पानी पूरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो चलिए हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच जीरा, 7 से 8 सूखी लाल मिर्च। सबको डालकर हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे और कलर चेंज हो जाए। फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। मसालों को हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। आप देख सकते हैं मसालों का कलर चेंज हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। प्लेट में निकालकर इसे हम ठंडा करेंगे, फिर इसे पीस लेंगे। अब हम लेंगे हरी धनिया लगभग 50 ग्राम, पुदीने की पत्तियाँ 1 बड़े चम्मच के लगभग हैं। अगर पुदीने की पत्तियाँ ना मिलें तो धनिया से भी पानी बन सकता है। मिर्च लेंगे 7 से 8, थोड़ा पानी डालकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में 1 लीटर के लगभग पानी लेंगे। इतना पानी हमारा 6 से 7 लोगों के लिए पर्याप्त है। अब इसमें हम धनिया पुदीने वाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा था। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया जीरे का पाउडर जो हमने पीस कर रखा था। काला नमक डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, सफ़ेद नमक 1/2 छोटी चम्मच, नमक आप अपने अनुसार डालें। अब हम डालेंगे इमली का पानी 4 बड़े चम्मच। इमली को गर्म पानी में भिगाकर 1/2 घंटे के लिए उसे छन्नी में छान दिया, उसका पानी निकल गया। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे हींग वाला पानी। 1 चुटकी हींग को थोड़े से पानी में घोलकर मैंने रख लिया था, वो हम डाल देंगे। हींग का फ्लेवर पानी में बहुत ही टेस्टी लगता है। पानी पूरी का पानी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब छोले बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सूखी मटर को भिगा दिया था रात भर। उसके बाद 4 से 5 सीटी आने तक प्रेशर कुक किया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 छोटे चम्मच धनिया जीरे का पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच काला नमक, 1/2 छोटे चम्मच सफ़ेद नमक, नमक आप अपने अनुसार डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे इमली का पानी लगभग 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। छोले भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब पानी पूरी के लिए हमारे छोले और पानी दोनों रेडी हैं। अगर हमारा मसाला पाउडर बच जाता है तो हम टमाटर चाट या फिर किसी भी चाट में यूज कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से छोले और पानी बनाना ट्राई करिए। आपको यकीन नहीं होगा, ये बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।